आत्मा भी सांस लेने के लिए नमस्ते एंड गुड इवनिंग. सो आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 10:36. इतना लेट ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ. पहले मैंने सोचा था मैं कल ब्लॉग स्टार्ट करूँ, बट कोई बात नहीं, आज स्टार्ट कर लेते हैं. फैन चल रहा है मेरे सर के ऊपर, तो प्लीज आवाज़ को थोड़ा माफी दीजिएगा. सो एक्चुअली आई एम फिल्मिंग राइट नाउ माई लिविंग रूम टूर. अभी जैसे कि आप मेरे बाल देख रहे हैं ना, मैं अभी जस्ट करवा करके आई हूँ हेयर रिलैक्सिंग ट्रीटमेंट. इट्स लाइक अ ट्रीटमेंट जो कि आपके बालों को मैनेजेबल बनाता है, क्योंकि अभी मॉनसून आने वाला है और मेरे बाल बहुत फ्रिजी होते हैं. स्ट्रेटनिंग वाला ट्रीटमेंट नहीं है, इट्स जस्ट मेक्स योर हेयर मोर मैनेजेबल. It makes your hair थोड़ा smooth and less chemicals जिसमें use होते हैं. So वो treatment मैंने करवाया हुआ है, अभी करवाया है. थोड़ी सी मैं clipping डाल दूंगी उसकी जो मैंने करवाया है. और उसके साथ ही ना मेरे बाल भी, wait a second, क्या बता देंगे, ठीक है, ओके. सो मेरे जो बाल है ना, एक मिनट लाइट ओपन कर ले, तो मेरे बाल भी आपको ये दिख रहे होंगे, तो इनकी ना लेंथ भी थोड़ी बढ़ गई है. अपने बालों की जो लेंथ है ना वो भी शॉर्ट कराने वाली हूँ. सो मैं जिनके पास जाती हूँ ना, उनका जो सैलों है, मतलब उनका सैलों यही हीरा नंदानी मिडॉस में है, थाने में ही है. इज सो गुड. मैं जब फर्स्ट टाइम मुंबई आई थी, थाने आई थी, तो मैं तब से उनके सैलों में जा रही हूँ. फिर समटाइम्स आई ट्राइड यू नो बिगर नेम्स एज वेल, जैसे कि नाम नहीं लेते उनके, जो उन लोगों के पास भी जा करके देखा है, बट हर बारी वो एक तो चार्जेस इतना ले लेते हैं, ऊपर से वो उस लेवल की सर्विस भी नहीं देते हैं. इवन मेरा कटिंग वटिंग भी उन्होंने बिगाड़ा है. इवन ब्लो ड्राई में मेरे बाल जला दिए. बड़ा सैलॉन, अच्छा नाम. सो मैंने ना इसलिए मैं अपने ट्रस्टेड हैंड के पास गई. हाँ, तो विक्की गया हुआ है एक्चुअली भोपाल. यस, उसका जो फेवरेट स्टूडेंट है, मतलब वो पहले ना जब वो कॉलेज में था तो वो ट्यूशंस लेता था, मतलब उसका यही स्टूडेंट है. उसका एक्चुअली शादी हो चुकी है, शादी हुए एक साल हो गया है, तो आज ही के दिन उसकी शादी हुई थी. एंड अभी क्योंकि उस टाइम कोविड चल रहा था तो कुछ किया नहीं था उन्होंने, बहुत क्विकली पर्सनल उसमें शादी कर दी थी. एंड अभी क्योंकि रिसेप्शन वगैरह नहीं दिया था, तो आज वो एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, साथ में रिसेप्शन भी दिया हुआ है. सो इट्स लाइक दैट. तो वो कल गया है, सुबह पहुंचा था, आज रात में वो बैठ भी जाएगा, कल वापस यहाँ भी आ जाएगा. कम से कम उसने मुझे 50 बार बोला था कि चल रही हो, चल रही हो. मैंने उसको क्लियर बोल दिया था कि भाई मैं अभी नहीं जाने वाली, एक महीना हुआ है आए हुए यार, और फिर पूछ रहा है चल रही हो, चल रही हो, चल रही हो. मैंने कहा मेरे सगे रिलेटिव की भी शादी होती ना, मैं अभी वो भी छोड़ देती. सो एक्चुअली आई वॉज कंसिडरिंग टेकिंग हेल्प ऑफ प्रोफेशनल, मतलब लिविंग रूम शूट के लिए, बट जब मैंने उन लोगों के चार्जेस सुने, 20,000-15,000, तो मैंने कहा रहने दो यार, मैं खुद ही शूट कर लूँगी, क्योंकि मेरा हाथ ना बहुत शेक होता है. और विक्की कह रहा था कि प्रोफेशनल हेल्प ले लो, वो अभी भी फेवर में प्रोफेशनल हेल्प के. बट आज मैं क्या कर रही हूँ, ट्रायल शॉट्स ले रही हूँ. अगर मेरे शॉट्स अच्छे आ गए और स्टेडी आ गए तो फिर मैं ही कंटिन्यू करूँगी. तो गाइस मैं खाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ. स्टार्टेड रेनिंग, अभी बारिश स्टार्ट हुई है. सो जब मैंने वीडियो डाला था ना अपना बैल्कनी वाला, तो मुझसे लोगों ने कमेंट किया था कि अरे आपने इतनी सारी चीज़ें लगा दी हैं, बारिश होगी तो आपका टेबल ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. अभी जस्ट बारिश स्टार्ट हुई है, सो आई विल शो यू द सिनेरियो. सो गाइज, दिस इज़ अ मेटल टेबल. ये मेटल का है, आवाज़ आ रही है, ये मेटल का टेबल है, ये ख़राब नहीं होगा, ये बैल्कनी के लिए ही बनाया गया है. उसके बाद आप देखिए तो ऊपर ना यहाँ से वो स्टार्ट होता है, मतलब वॉल है, वॉल का शेड है. उसके बस थोड़ा सा 1 इंच बाहर, 1 या 2 इंच का प्लांट्स को काफ़ी अच्छा पानी मिल जाता है. नाउ कमिंग टू दिस साइड, जो मैंने पेपर वाला पेंटिंग बनाया ना, उसमें पानी का एक तिनका भी नहीं गिरने वाला है. इस जगह पे लगी हुई है वो, इनफैक्ट पानी नीचे से भी ऊपर आएगा ना तब भी उसको कुछ नहीं होने वाला है. यहाँ पर कोई चीज़ को कुछ भी नहीं होने वाला है, इट्स एक्सट्रीमली सेफ. नाउ कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पर भी ये जो चीज़ें लगाई हुई है ना, यहाँ इसको भी कुछ नहीं होने वाला है. दीज लाइट्स आर वाटर प्रूफ. मैं इवन बाहर भी लगाती ना तो भी इस लाइट को कुछ भी नहीं होता. उसके बाद ये जो रेजिन के प्लांटर्स हैं, इनमें मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि इनमें कभी कुछ ग्रो नहीं होने वाला है. सो आई कैप दिस एज अ शो पीस. इन पे किसी पे भी पानी गिरेगा, कुछ भी चीज़ ख़राब नहीं होने वाली है. सब इस तरीके से लगाई, सब बालकनी वाली. यहाँ पर भी मैंने ये लगाया हुआ है, हवा चलती है, आंधी चलती है, इनको भी कुछ नहीं होता है.
ज्यादा बहुत आंधी तूफान चलेगा, सो आई कीप दीज डॉल्स हियर और इसको यहाँ मूव कर सकते हैं इधर से उधर. द नेक्स्ट अपडेट इज विक्की आ गया है, थाने पहुंच गया है, वो ऑटो करके आ जाएगा. विक्की आ गया है भोपाल से एंड भोपाल से ये झोला लेके आया है. तो मैंने घर वालों को बोला था कि मुझे मनी प्लांट की कटिंग्स चाहिए, तो हम लोग ना अपना एक जग छोड़ करके आ गए थे वहां पर. लुक एट दिस की मनी प्लांट की कटिंग्स किस में आई है. क्या पैकिंग करी, मतलब जबरदस्त पैकिंग हुई है. सो मेरी मम्मी ने ना कि घी भेजा है, आई एम नॉट श्योर घी है कि क्या है, बट जस्ट लुक एट द पैकेजिंग. 1, 2, 3, 4 ठीक है, 5वीं है, मैं खोल रही हूँ. कपड़ा वपड़ा पता नहीं क्या क्या लपेट है, मुझे अभी तक यही नहीं पता कि इसमें क्या है, घी है कि क्या है, आई डोंट नो. ओके सो इसके बाद एक और पैकिंग है दोस्तों, ख़त्म नहीं हुई है यहाँ पे. दिस इज़ द घी जो हमारे घर से आया है, और ये भी दूसरा डब्बा. तो आई थिंक एक कोई गाय का है और एक मम्मी कह रही थी नॉर्मल जो बनाते हैं ना वैसा है, तो आई थिंक ये लग रहा है मुझे कलर से तो गाय का. तो हमारा विक्की भोपाल से पता है कौन सी बुक लेके आया है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल. यार जीता जागता इंसान बैठा हुआ है जो इस चीज़ को फॉलो करता है. बुक लेके आए हो तो ये पढ़ोगे. तो ऐसी तो विन फ्रेंड्स किया जाता है, फ्रेंड्स को ऐसे ही विन किया जाता है. और फ्रेंड को विन कौन करता है भाई? दोस्तों आपको पता नहीं है लेकिन आधे से ज्यादा ज्ञान जो ये आपको बांटती है ना वो मेरे से वाड़ा जोक. ये आप लोग समझ जाओगे कि इसने फेंका है कि इसने सही बोला, इतना तो आप लोग मेरे को जानते हो. कि मम्मी ने घी के ऊपर 8 लेयर्स लगाए थे, 8 लेयर्स मतलब घी की आत्मा भी सांस लेने के लिए बाहर नहीं आ पाई होगी, दम घुट गया होगा उसका भाई, इस लेवल की पैकिंग करी थी मम्मी ने. तो अभी मैं आई हूँ अपने पार्लर जिसका नाम है यशिका सैलॉन. तो यहाँ पर मैं अपने बालों में अभी लगवा रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और नई चीज़, सो दिस इज़ कॉल्ड एज स्टेंसिल्स, हेयर स्टेंसिल्स. तो बड़ा ही मतलब मैं फर्स्ट टाइम करवा रही हूँ और मुझे इतने सही लगे ये, ऑलरेडी मुझे 15 डेज हो चुके हैं एंड ये इंटैक्ट है मेरे बालों में. मुझे तो बहुत मज़ा आया भैया करवा करके, मेरा थोड़ा सा लुक चेंज हो गया है और मैंने हेयर कट भी करवाया है. ओके गाइस, सो आई एम बैक और मैंने अपना हेयर कट भी करवा लिया है और साथ में ना मैंने देखिए क्या लगवाया है, लेजर कट विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लेयर्स. मैं अपने पार्लर का ना, दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड पोस्ट, सो मैं अपने जिस पार्लर पे मैं जाती हूँ उधर पे मैं उनका एड्रेस यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. शी इज सो गुड, मतलब वो हेयर कट वगैरह बहुत तोड़ू करती है, मतलब ये एडवांस लेवल की हेयर कट है, सो हेयर कट वगैरह वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी करती हैं, तो आप डेफिनेटली जा सकते हो. और ये जो स्टेंसिल्स है ना, जनरली नॉर्मल पार्लर्स में ये 150 रुपए का एक लगता है, ये मैंने सिर्फ 50 रुपए का एक लगवाया, मतलब दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 50 रुपीज अप टू जितने भी आपको लगवाना हो उस पर वो चार्जेस बढ़ता है एंड ऑल दैट. ये बन रही है हम लोगों की चीज मैगी. गौर से देखिए इस इंसान को. मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है, बालों नहीं छुपा रही, बाल दिखा रही हूँ अपने. मैं जैसे ही विक्की को दिखाया, विक्की मुझे लेने के लिए गए यहाँ पर जहाँ मैं गई थी पार्लर के पास में, तो मैंने स्कूल आने के साथ मेरे को पता क्या बोलता है, देख लिया मैंने बहुत ही गंदे दिख रहा है थर्ड क्लास, तो फिर बात है बोलने की, तो जैसा दिख रहा है वैसा ही बोलूंगा ना, जाके इलाज कराओ. ये क्रैक ढीले टाइल अपने आप ही गिर गए. हाँ जी, आप मेरे को एक चीज़ बताइए, ये जो कटलरी है आप इसको ध्यान से देखिए, ये इंसान वो कटलरी यूज़ नहीं करने देता, बोलता है कि बहुत महंगी कटलरी है. तो कटलरी को क्या करेंगे अपन बताइए, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो ली क्यों है? 36 पीस का सेट है, तो बहुत मतलब मैंने पूरा सब सेट मंगवाया, 3000 कुछ का आया था, उसमें से मैंने दो सेट सबके निकाले, मतलब सारे भी निकाले. और मैं विक्की को बोली थी ना ही अपने खाने के लिए, ना गेस्ट के खाने के लिए, ना किसी और के खाने. ये आदमी खाए तो किस चीज से खाए बताओ, हाथ से खाऊं नूडल्स? हेलो हेलो सर, इसके पहले तो आप खाते ही नहीं थे जैसे कि है अपने घर में पूरे 12 का वो भी स्टील का सेट रखा, वो नहीं खाना है इसको, इससे खाना है. तो जब वो है तो ये क्यों मंगाए, समझ रहे हो? देखो हर कोई अपने नए घर में गागा हो जाता है किसी ना किसी चीज पे. गागा तो नहीं, पागा जरूर हो गया ये इंसान है. पर मैंने ना, मैंने कुछ और जगह देखो, बहुत हर जगह दिमाग लगा लिया, आगे डिजाइनिंग करी, पर मेरे को वो चाहिए था, मतलब चाहिए था. 2500 की कटलरी, तीन बेटा, हाँ 500 रुपए में कम नहीं कर सकते आप. चलो ठीक है, ये 5000 की कटलरी हमने 3000
हमने 2000 बढ़ा दिए, ठीक है। हाँ, ये 5000 की कटलरी, ये 500 रुपए का ग्लास में भी नहीं रखी है इस इंसान ने, ये फ्री में आया था या फिर पता नहीं कहाँ से आया था। हैं, ये इस इंसान ने डिजाइनिंग करी है, हैं, बहुत दिमाग लगा करके डिजाइनिंग करी इसी है। इसी को कहते हैं, अब कहीं ज्यादा पैसा लगा दिया तो कहीं और पैसा हमने बिल्कुल कट कर दिया। गाइस, बच गए 9:30। अब हम लोग खाना लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। वो जो कटलरी थी जो इन्होंने रोज गोल्ड कलर की संभाल के रखी थी, भगवान जाने कौन सी क्वीन आने वाली थी जिसके लिए रखी होगी, वो मैंने यूज कर ली। एक्शन इन्होंने ये रखे, खुद धोना उसके ऊपर वो नहीं लगाना, स्टील वूल। हाँ, स्टील वूल नहीं लगाना। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं ज्यादा स्टबर्न नहीं हूँ, इसने इसको था कि खाना है तो इसने इसी से खाई। हाँ, तो ये स्टबर्न ज्यादा है। अरे ये हाथ सुने हल्का हाथ। बहुत मजा आता है ऐसी सब चीजें करके, क्योंकि अरे बहुत मजा आया है। ये इंसान को मतलब ऐसी कुड़ गई थी ना ये अंदर से कि मैंने आज तक नहीं खाई। उन्होंने खरीदी 3000 रुपए दे करके और उसके बावजूद ये आज तक नहीं खाई, ये बस देखती रहती है उसको। मैंने वो चीज उठाई और खा रहा हूँ मैं उस। सेकेंड डे मिल रही हूँ, अभी मुझे जाना है आज थोड़ा सा काम से, वो काम हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने ना कुछ चीज़ मंगवाई हुई है बाहर से, तो वो ना एक्चुअली कुछ लेना था मुझे, तो वो मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि मैं बनवा लेती हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा था कि वो भैया बोल रहे थे कि आप इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बता रहे हो विक्की और हम दोनों, तो उन्होंने हमको ये बोला कि आप एक काम करते हैं, हमारे पास ऐसे मिलता जुलता एक प्रोडक्ट अवेलेबल है जो हम मंगवा के दिखाते हैं आपको, अगर आपको वो पसंद आता है तो ठीक है, क्योंकि बनवाने में बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है। पहले मेरा काम हो जाने दीजिए, आप सोच रहे हो क्या बात कर रही है ये, तो पहले मेरा काम हो जाने दीजिए, उसके बाद जब वो बन जाएगी तो मैं ऑब्वियसली आपको दिखाई दूंगी। दिन का टाइम है और वर्किंग डे है, तो होपफुली ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। और मेरे बाल अभी भी ना भयंकर लेवल पे घीले हैं आज, थोड़ा सुबह से ना वेदर थोड़ा ग्लूमी सा हो रहा है, बट बारिश नहीं हो रही है। डेली हमारे यहाँ बादल आते हैं लेकिन पानी नहीं आता है, पता नहीं पानी कहाँ चला जाता है, बादल लेकिन डेली आते हैं। आई चेंज इनटू दिस जीन्स, अब ये ज्यादा बेटर लग रही है। उस टाइम जस्ट रीच्ड हियर, और जहाँ पर मैं आई हूँ ये है इट्स हीरा नंदानी मिडोस। यहाँ पर पार्किंग मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है भाई, इतनी मुश्किल से गाड़ी घुमा घुमू करके लगाई है मैंने। हे गाइस, सो आई एम सुपर डुपर हैप्पी। तो एक्चुअली पता है क्या हुआ, मैं ना गाड़ी से आ रही थी और बिल्कुल जस्ट मेरे घर के सामने मैं टर्न ही ले रही थी, इतने में एक मेरी सब्सक्राइबर मुझे होती है रुचि रुचि रुचि, वो तो अच्छा वो मेरी विंडो ओपन थी, तो तुरंत मैंने गाड़ी रोकी और हम लोग मिले, वो भी यहीं पास में ही रहती है, उनका नाम सरिता था। इतना अच्छा लगा मुझे मिल करके, मैं जब से यहाँ पर आई हूँ और डेली जैसे एक दिन मैं पानीपुरी खाने के लिए यही नीचे निकली थी, कभी नंबर मैंने लिया था बट समहाउ नंबर मिस हो गया मुझसे। तो हाय, अगर आप मुझे देख रहे हो तो मुझे मैसेज जरूर करना इंस्टाग्राम पे। तो बहुत सारी बार होता है पिक्चर्स नहीं ले पाते, यू आर नॉट इन दैट स्टेट कि आप फोटो ले पाओ एंड ऑल दैट, तो काफी सारे लोग मुझे मिल रहे हैं एंड सबका क्वेश्चन यही रहता है कि हम कंफ्यूज होते थे आपका वीडियो देख के कि आप हीरा नंदानी में तो आए हो बट आप मिडोस में आए हो, स्टेट में आए हो यहाँ पर। सो लेट मी टेल यू, बिकॉज हीरा नंदानी खुद में ही बहुत बड़ा एक अलग सा बहुत बड़ा टाउनशिप टाइप का है, तो आप पहचान नहीं पाओगे कि मैं कहाँ रहती हूँ। तो मैं बता देती हूँ कि मैं एग्जैक्टली कहाँ शिफ्ट हुई हूँ, सो दैट आपको जो कन्फ्यूजन बहुत लोगों को होता है, सब मेरे से यही बोलते हैं आकर के कि हम सोचते थे कि आप स्टेट में आए हो कि मिडोस में आए हो। सो देर इज 3 हीरा नंदानी इन थाने, एक पार्क वन है, नंदानी स्टेट है और मिडोस है। तो पार्क वन इज अ क्लोज्ड कैंपस और मिडोस और जो स्टेट है ये थोड़े टाउनशिप टाइप के उसमें एरिया में बनाया हुआ है। सो करंटली आई एम स्टेइंग एट हीरा नंदानी स्टेट, तो जो भी यहाँ आसपास रहता है उनको तो मैं 100% कभी ना कभी टकरा जाऊंगी बिकॉज मैं यहीं भटकती रहती हूँ। सो अगर मैं आपको कहीं मिलती हूँ और आप सोचो कि रुचि जैसी लग रही है तो आकर के बिल्कुल मुझसे मिल सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे घर के आसपास इतने सारे लोग मेरे पहचान के रहते हैं, मैं सबसे बकायदा नंबर भी लेती हूँ, बात करती हूँ अच्छे से एंड ऑल दैट। सो मिलना जरूर मुझसे, बड़ा अच्छा लगता है यार जब वैसे कोई आकर के मिलता है ना, वो भी गाड़ी पे थी पता है, उन्होंने मेरे को आवाज लगाया, मुझे इतना अच्छा लगा मिल करके। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो आज हम सुबह आपको मेरी आंखें ऐसी दिख रही, मतलब मैं सिर्फ सो के उठी हूँ और फेस वॉश किया मैंने अपना और हम लोग नीचे लोअर डाला वही घर के कपड़ों में, निकल रहे हैं हम लोग अभी डी मार्ट के लिए। हालांकि बिल्कुल घर से निकलते से सामने सुपरमार्केट है बट थोड़ा एक्सपेंसिव है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो आई प्रिफर गोइंग, अगर आपको बल्क में सामान लाना है तो मुझे डी मार्ट सही लगता है। मतलब जो
मेरी हेल्पर है जो कुकिंग वाली हेल्पर है वो नहीं आ रही है, वही सब चीज की हेल्पर है, मतलब वो सारा काम ही करवाती हूँ मैं उन्हीं से। सो वो नहीं आ रही है तो आज हमने उसका अच्छा फायदा उठाया है, हम लोग डीमार्ट आ गए क्योंकि वो सुबह 8:30 बजे आ जाती है और 9:45 बजे तक मेरे घर में सारा काम हो जाता है, मतलब कुकिंग हो जाती है और झाड़ू पोछा बर्तन एवरीथिंग सब कुछ हो जाता है। देखते हैं, अब आज मैंने ना लंच पे निशा और उनकी मम्मी को बुलाया हुआ है तो मैंने छोले बनाए रात में, तो आज मैं छोले बनाने वाली हूँ। तो सारी जो भी ग्रोसरी है वो आ चुकी है, अब सबसे टफ काम है इनको खाली करना। तो यहाँ पर छोले बनाने के लिए जो आप चाय पत्ती ऐड करते हो ना, उसके लिए मैंने ये बहुत ही क्यूट सा स्टेनलेस स्टील का मेश परचेस किया था। तो आपको ना हर बार ऐसे पोटली बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो जो मूसलिन और कॉटन का क्लोथ होता है वो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आई एम एडिंग चाय पत्ती इन दिस, डाल देंगे लाइक दिस, कार्डेमम 2-3 डाल रही हूँ, 2-3-4 कुछ सिनेमन स्टिक्स एंड 2-3 बे लीव्स। तो यहाँ पर मैं छोले मसाला बना रही हूँ, तो लाल मिर्ची डाली है, हल्दी डाली है, धनिया पाउडर डाला है, उसके बाद यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, ये मैंने डाला है मैंगो पाउडर, उसके बाद हींग डाली है, ये काला नमक डाला है और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाला हुआ है, दैट्स इट। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर और धनिया खत्म हो गया, मैं फटाक से जाकर के नीचे से वो लेके आती हूँ। तो कुछ भी चीज़ ख़त्म होती है बिल्डिंग के एकदम नीचे शॉप है, तो मैं फटाक से जाकर के लेकर के आ गई। यहाँ पर मैं अनियन की प्यूरी बना रही हूँ और उसके बाद ये हमारी बन गई है और अब हम छोले चेक करेंगे कि कैसे बने। ये देखिए कितना सही और बेहतरीन कलर आया है, मैं कम से कम 4-5 सीढ़ी लगाती हूँ, कोई बेकिंग सोडा ऐड नहीं करती हूँ, सोडा लेस होते हैं मेरे छोले और बहुत सॉफ्ट होते हैं, मतलब मुझे पसंद होता है कि छोले एकदम मुलायम होना चाहिए, मुँह में रखते से घुल जाए, तो 4-5 सीढ़ी में आराम से हो जाता है। और ये जो पानी है ना इसको हम फेंकेंगे नहीं। तो अब हमने स्टार्ट किया, यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल डाला है और अनियन को इस तरीके से अच्छे से भुना है, इतना कलर डार्क हो जाना चाहिए इसका, तब तक मैं भूनती हूँ और उसके बाद यहाँ पर टमेटो की प्योरी डाल लेती हूँ मैं। और अब हम इसको अच्छे से भुनेंगे, मतलब ये मसाला भी कम से कम 5 मिनट तक आपको भुनना होता है एंड उसके बाद फिर आपको यहाँ पर जो मसाला हमने बनाया है वो डालना होता है। अब आपको तब तक इसको पकाना है जब तक इसका पूरा ऑयल जो है वो बाहर नहीं आ जाता। नाउ दिस इज़ द बेसिक थिंग, ये अगर अच्छे से हो गया ना तो आपका छोला बहुत टेस्टी बनता है। नाउ अब हम पूरी बना रहे हैं, तो मैं जब पूरी बनाती हूँ ना तो आप देखो ना मेरी पूरी ना फूलती नहीं है, आटा वाटा गूंद लेती हूँ मैं, पूरी बना लूँगी बट जब तलती हूँ तो मेरी पूरी में वो मज़ा नहीं आता है, फूलती नहीं है। तो विक्की और हम दोनों जब टीम वर्क करते हैं तो हमारी पूरियाँ एकदम बेस्ट बनती है, मम्मी वाली पूरी बन जाती है। तो यहाँ पर मैंने बेलना स्टार्ट किया है और वो आ गया था मेरी हेल्प करने के लिए, तो अब वो जब तलेगा ना तो देखो वो जिस तरीके से तलता है तो उसकी पूरियाँ एकदम फूलती हैं और सारी बैक टू बैक फूलती हैं, वही मैं जब करना स्टार्ट करती हूँ तो मेरी नहीं फूलती है। तो वो आता है हमेशा पूरी बनवाने के लिए, हम दोनों साथ में ही पूरी बनाते हैं, भाई मैं अकेली पूरी नहीं बना सकती, बहुत गंदी बनती है। तो बहुत अच्छी पूरी बनी थी, इसमें भी हम लोग कुछ भी सोडा वोडा फुलाने के लिए ऐड नहीं करते हैं, सिर्फ नॉर्मल नमक ऐड करते हैं और थोड़ा सा जो टाइट होता है आटा वैसा गूंथते हैं। सो अभी बन रही है पूरियाँ, फटाफट पूरी तल के रख देते हैं। लंच वंच हमारा सब हो गया है, हम लोग बहुत देर तक फिर बातें भी करते रहे आंटी और निशा और मैं। तो सब्जी तो काफ़ी अच्छी बनी थी, मतलब मैंने काफ़ी दिनों बाद ऐसे काबुली छोले बनाए थे। तो व्हाट आई एम डूइंग अभी राइट नाउ ना, जो भी इतना सारा ग्रोसरी पसारा पड़ा हुआ है मैं दिखाती हूँ आपको। सो दिस इज़ द पसारा वी हैव राइट नाउ और इधर पर भी पूरा ग्रोसरी पड़ा हुआ है, तो बस वही अभी सब मैं इसके डब्बों के अंदर भर रही हूँ। मैं कैसे एंगल में खड़ी हुई हूँ, तो एक्चुअली मैंने ना अपना ट्राइपॉड चेंज नहीं किया है, तो मैं बड़े वाले ट्राइपॉड में ही कैमरा लगाई हुई हूँ। मैं जा रही हूँ अपनी, आपको याद होगा मैंने अपनी वॉच के बारे में, जो मैं स्मार्ट वॉच पहनती हूँ
फासिल क्या हो रहा है? हाँ, तो मैं अपनी स्मार्ट वॉच पहनती हूँ फॉसिल की, वो मैंने एक महीने पहले कस्टमर केयर पे, मतलब कस्टमर केयर बोल रही हूँ, मैंने फॉसिल सेंटर में डाली थी। तो यहाँ पर मुंबई में उसका सेंटर नहीं है, वो बैंगलोर में ही जाती है। मतलब कहीं पर भी आपको अगर फॉसिल की सर्विसिंग करानी है तो इट गोज़ टू बैंगलोर। इवन इफ यू आर लिविंग इन बैंगलोर इट विल टेक वन मंथ, बिकॉज मैंने सब चीज़ें पूछी थी कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा एंड ऑल दैट। तो मेरे पास फॉसिल सेंटर से मैसेज आया था कि 14th ऑफ जून था मुझे वो वॉच रिसीव हो जाएगी। आज 24th ऑफ जून है, मेरे दिमाग से बिल्कुल स्किप हो गया था। अभी दो दिन पहले आई वाज स्टार्ट थिंकिंग कि साला मेरी वॉच नहीं आई अभी तक। मैं सारे मैसेजेस मेल स्क्रॉल कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, बट कहीं पर एक इतना सा इंटीमेशन नहीं है कि भाई आपकी वॉच आ गई है, आप आ जाओ लेने, या फॉसिल केयर से मेरे पास फोन आ जाए। तो मैं आज फॉसिल के वहाँ जा रही हूँ जहाँ पर मैंने वॉच को डाला था, उनको बोल के आऊंगी कि भाई कोई सस्ती वॉच तो है नहीं तुम लोगों की जो इतनी गंदी बेकार सर्विस, कस्टमर केयर सर्विस दे रहे हो। जा ही रही हूँ तो सोच रही हूँ थोड़े बहुत, मुझे ना वेस्ट साइड जाना हुआ है, तो वेस्ट साइड विवियाना में नहीं है वेस्ट साइड, फिर या तो आपको आर मॉल जाना पड़ता है एंड या फिर आप मेरे सोसाइटी में भी वेस्ट साइड है बट यहाँ पर होम डेकोर का कुछ है नहीं, सो या तो आपको आर मॉल जाना पड़ता है या फिर आपको ये कोरम मॉल जाना पड़ता है। ओके गाइस, सो आई एम ऑल सेट एंड रेडी एंड आई एम वेयरिंग एकदम सिंपल सा टी शर्ट और सिंपल जीन्स और ये अपना बैग लेके जा रही हूँ मैं, और अपने दोनों मोबाइल रख लेती हूँ, मास्क वगैरह सब इसके अंदर रखे हुए हैं। सो यस लेट्स गो, अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ डायरेक्टली मोबाइल कैम्प से। ओके गाइस सो लेट्स गो, थोड़ी बारिश तो हो रही है, विक्की देखिए ऊपर से मुझे झांक के देख रहा है, मुझे बोल रहा था चलने के लिए, मैं डायरेक्ट थोड़ी यार मैं अकेली चली जाऊंगी, वो मेरे को हो रहा था बारिश हो रही है ना तो कहीं ट्रैफिक वगैरह ना हो, तो लेट्स सी देखते हैं। ये बाहर अच्छी खासी बारिश हो रही है और ये रहा मेरा ऊपर वाला जो फर्स्ट फ्लोर आप देख रहे हैं ना, ये जो प्लांट दिख रहे हैं ना आपको दोनों बालकनी में, ये हम लोगों का है। शॉपिंग एंड एवरीथिंग, और भाई साहब इस लेवल का रश था ना अभी, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, अभी सेल स्टार्ट नहीं हुई है, जस्ट वन डे, जो भी मेंबर है किसी भी ब्रांड के लाइक H&M में, तो मतलब इतना मैं देख रही हूँ मुझे कुछ क्यों नहीं दिख रहा है, अभी तो सेल स्टार्ट हुई है, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग, और लड़कियां भर भर के बैग लेके जा रही थी, क्यों इतनी लंबी थी, मतलब कल बहुत गंदा रश होने वाला है, कल एक्चुअली पूरे विवियाना में काफी सारे जो ब्रांड्स हैं उनमें ऑफ होने वाला है, तो अब मैं घर के लिए निकलती हूँ, लेट हो गई हूँ, 7:30 बज गए हैं, सो या लेट्स गो। ओके गाइस आई एम बैक, और मैं अभी आपको शॉपिंग बताऊंगी कि मैंने क्या क्या किया है, बहुत सारी नहीं करी है बट हाँ थोड़ी बहुत काम की चीजें करी है, बट अभी इतनी तेज भूख लग रही थी कि हम लोगों ने आज, क्योंकि फ्राइडे नाइट है तो हम कुछ खाते हैं अच्छा सा, तो ऑर्डर्ड पास्ता फ्रॉम वही हमारा फेवरेट अरोमा बिस्त्रो, तो रेड चीज पास्ता है एंड व्हाइट अल्फ्रेडो पास्ता है। सोचो मैं पास्ता नहीं पसंद करती थी बट नाउ आई लव पास्ता, पास्ता खाती हूँ उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ओके गाइस, तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें लेकर के आई हूँ। तो सबसे पहले तो मैं अपनी वॉच का आपको बताती हूँ कि क्या हुआ है सिनेरियो। एक्चुअली वॉच थी फॉसिल की, जो कि आई थिंक मुझे खुद को भी बहुत कंफ्यूजन होता था कि जनरेशन 4 थी कि जनरेशन 5 थी, मैंने भोपाल से ली थी एंड उसमें ना कुछ दिक्कत, उसका ये पीछे का जो बैक है वो पूरा निकल गया था, मतलब अपने आप ही बाहर आ गया था, सर्विस सेंटर पर डाला, थैंकफुली मुझे उसका बिल मिल गया, तो वो 2 साल वारंटी में थी एंड मुझे पता चला आज जा करके एक से जाया, फिर उन्होंने जब चेक किया तो आई गॉट टू नो कि मेरे पास 21,000 रुपये
जितने की भी वॉच थी 21,000 समथिंग कुछ की थी, उसका मुझे क्रेडिट नोट मिल रहा है। तो मैं फॉसिल का या तो वॉच ले सकती हूँ या फिर मैं हैंडबैग ले सकती हूँ। और क्या आता है फॉसिल में, हाँ ज्वेलरी वगैरह जो आजकल उन्होंने नई लॉन्च करी है उनमें से मैं कुछ भी चीज़ ले सकती हूँ। तो मैंने बोला वॉच के बदले मैं वॉच ही ले लेती हूँ। सो मैंने ये जनरेशन 6 वाला जो स्मार्ट वॉच है ना वो लिया है। सो एक्चुअली मुझे अपने पुराना वॉच का मॉडल बहुत ज़्यादा पसंद था। इसमें सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ना ये स्टड्स हैं, ये दिख रहे हैं आपको डायमंड स्टड्स, ये बहुत ज़्यादा थोड़ा ब्लिंगी ब्लिंगी सी हो गई है। तो मैंने उनसे ऑप्शन पूछा कि क्या ये आपके पास प्लेन वाला है, तो मैं प्लेन वाला ले लूँगी या ये वो। उन्होंने बोला नहीं प्लेन वाला तो कुछ नहीं, ऐसे ही आएगा। दिस इज द वॉच है तो बहुत बहुत ही ज़्यादा प्रिटी। मुझे ब्लैक इसका ही चाहिए था और मुझे स्मार्ट वॉच ही चाहिए थी। सो दिस इज द वॉच जो कि है जनरेशन 6 एंड आई रियली लाइक इट। मार्केट 99 से ना ये रीड डिफ्यूजर लेकर के आई हूँ, होम सेंटर से एक ये रीड डिफ्यूजर लेकर के आई हूँ। तो एक किचन के लिए है और एक मैं बाथरूम के लिए लेकर के आई हूँ। उसके बाद एक ये कोस्टर लेकर के आई हूँ जो कि मार्केट 99 का है, ये लेकर के आई हूँ सेंटर टेबल के लिए। दिस इज लाइक अ प्लेसमेंट मैट है ये, तो ये ना मेटल की है, ये देखिए गोल्डन कलर की है। तो यहाँ सेंटर टेबल के लिए मैं ये लेकर के आई हूँ। उसके बाद मैं लेकर के आई हूँ ये, दिस इज अ केक स्टैंड फ्रॉम वेस्ट साइड। तो पहले मैंने ना ऑनलाइन देखा कि ऑनलाइन ज़्यादा सस्ता मिल रहा है कि वेस्ट साइड पर ज़्यादा सस्ता मिल रहा है, तो ऑनलाइन भी सब 1,000-1,200 के बीच में। तो ये 999 का मुझे वेस्ट साइड पर मिल गया था। उसके बाद मैं ये प्लेट स्टैंड लेकर के आई हूँ। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं इसी नोट पे। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।